तो अभी हम हैं पुलवामा के पास लितपुरा नाम की जगह पर, और ये जगह है फेमस अपने केसर के कारोबार के लिए। और हमारे साथ हैं इस किसान केसर शॉप के ओनर जावेद जी, जो आपको थोड़ा सा केसर के बारे में बताएंगे। जी पहले आपको हमारी तरफ से नमस्कार। पूरे भारतीय लोगों, अपने साथ जो हमारे अपने लोग हैं उनको हम स्वागत करता हूँ अपने कश्मीर इस वैली में। अभी हम ना थोड़ा बहुत ही केसर की बात करेंगे। जो केसर होता है ये पूरी दुनिया में ना तीन जगह खाली होता है, एक स्पेन में होता है, ईरान में होता है, ऑफकोर्स अपने इंडिया में होता है। अभी हम अपने इंडिया की बात करेंगे, ऑब्वियसली बात चलती है अपने प्यारे वतन कश्मीर की। कश्मीर में केसर होता है। अभी हम कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर, नॉट एट ऑल, ऑनली इन 10 किलोमीटर अराउंड, जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र है पूरे भारत में ना, यही 10 किलोमीटर के दायरे में केसर उगता है। देखो भाई लोग, ये केसर का ना पौधा है, ये केसर का पौधा है, नेचुरल पौधा, ये कोई ये नहीं, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। इसके लिए हमें एक सीड चाहिए जो हम 15 साल में एक बार लगा देते जमीन के अंदर, तो 15 साल में हर 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में ना केसर का फ्लावर निकल के आ जाता है। तो बोले कि केसर का फ्लावर, ये केसर का सीड ऐसा होता है, और ये केसर का फ्लावर्स, ये जो केसर का फ्लावर है, एक इसका बोलते हैं इसको पर्पल कलर का, इसका जो पत्तियां होती है फ्लावर में, टोटली 6 पत्तियां होती है अंदर। जो ऑरेंज कलर का है, जो 3 पत्ता, ये किसी काम का नहीं है। जो रह जाते हैं रेड कलर के 3 पत्ती, बस इतना सा केसर होता है। ऐसे हमारे को 165 फूल इकट्ठे करके फिर 1 ग्राम केसर निकलता है। ओरिजिनल केसर की पहचान कैसे करेंगे आप? कभी भी जिंदगी में केसर ले लोगे, इसमें रहता है 17% क्रोसिन कंटेंट्स, यानी कि पैरासिटामोल, एक तिली उठा, दांतों तले चबा, थोड़ी बिटर, कड़वी लगने चाहिए, उसकी पहचान होती है, और कोई पहचान नहीं कर सकते आप। कलर वलर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। केसर जब बनाए तो कलर तो आएगा ही आएगा, और इसमें आपको फर्स्ट आपका प्रेफरेंस जो होगी वो इसकी बिटरनेस पे होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, हाँ, तो अभी ना साल भर में कितना केसर हो जाता होगा पर्सनली आपके पास? हाँ भाई, क्या मसला क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टाइम पे देखो, अभी कश्मीर में इस तो हमारे पुराने जो प्रखू की बात करेंगे, इस टाइम तो करीब 2-2, 4-4 फुट बर्फ हुआ करती थी। हाँ। लेकिन आप बाहर का नजारा दिखा दीजिए, पूरा यहाँ पे धूप छाई हुई है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल चेंजेस हो गए, इसको अकॉर्डिंगली जितने भी क्रॉप्स निकल रहे हैं अभी यहाँ पे, वो बहुत कम हो रहे हैं, दिन डे बाय डे वो कम हो रहे हैं। इसलिए लास्ट सीजन की हम बात करेगी, उससे पहले की सीजन में जो इस साल का सीजन है, तो क्रॉप बहुत कम हुआ है। अच्छा जी। सर बहुत बहुत परेशानी, जितने भी खेती बाड़ी वाले लोग हैं वो सब परेशान हैं, क्योंकि जिनका वो लेबर्स पे जो इसमें खुदाई उदाई में जितना पैसा वो लगाते हैं, उतना पैसे इनको वापस नहीं आता है। अच्छा जी। लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा इस संगम के या? हाँ, देखो भाई, जो ये क्षेत्र है करीब 20 लाख लोगों से वाबस्तगी इस मतलब 10 किलोमीटर क्षेत्र में था, और बहुत सारे इफेक्ट पड़ गया, जो फैमिलीज है बिलो पॉवर्टी लाइन्स के जो भी काम करते थे, इसमें बहुत सारा इफेक्ट पड़ गया हमारे इस पूरे क्षेत्र में इसकी वजह से। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आप मांगते हो जो इसके लिए जरूरी है? भाई देखो, हर कोई गवर्नमेंट हम ही है, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, गवर्नमेंट भी कितना मतलब करेगा हर चीज, मतलब एक कहत साली होती है, रोज डे बाय डे के ऑल द टाइम के लिए होता ही रहता है हर साल, फिर आपको मतलब ये फिर ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, ये मेरे लैंड्स, तो हम अपने सरकार से बोले, सरकार हम खुद है, ठीक है, हम ही लोग हैं, हम ही सरकार बनाने वाले हैं, ठीक है, हमें कुछ अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, तो बेसिकली सरकार हमारी पूरी रक्षा करने वाले हैं। तो आप अगर किलो में देखें, किलो में होता है साल? हाँ। कितना किलो हो जाता होगा आपके पास? भाई मान लीजिए मेरा जो पर्सनल घर का है, करीब 2-3 किलो साल का हमारा निकलता है। हाँ। जी। अगर आप मेरा साल का हिसाब से, वो 7.5 लाख का हमारा इस पे अर्निंग होता है, मगर इसमें लेबर पे बहुत हमारा खर्चा होता है, दैट मीन्स कि करीब 3-4 लाख साल का हमारा बचत होता है इससे। 3-4 लाख? तो केसर के और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं? हाँ, क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्चुअली इंट्रोड्यूस हमारे अपने सेल्फ यहाँ पे, जैसे हमारा पूरा इस टाइम हमारी जो लेडीज लोगों जो है ट्रेंड चलता है उनको, कि बाहर जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे
मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे दे, उनको चाहे कि अपने लोगों पे थोड़ा ध्यान दे दे कि शायद जो क्षेत्र है ये भी फुल फैले और हमारे जो यहाँ पे बेरोजगारी है वो थोड़ा बहुत दूर हो सके, कि यहाँ पे अपने लोगों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन का भी सिस्टम है कि कभी उनको भी चाहे यहाँ से, हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है, इस पर आप वो कॉन्टैक्ट करके यहाँ से वो मंगवा सकते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपनी चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। ये देखो, ये हमारे पास आता है एप्रिकॉट प्लस केशर का स्क्रबर। अच्छा। जो आप हफ्ते में एक दो दफा लगाओगे कोई भी डेढ़ साल ब्लैक हेड होगा, सब रिमूव हो जाएगा। और स्पेशलिटी हमारे पास आता है यहाँ पे ये बादाम का तेल, शुद्ध बादाम का जो कश्मीरी ओरिजिन का होता है, मामरा बादाम से निकाला हुआ है। अच्छा। एक दो ड्रॉप दूध के साथ पियो, मेमोरी के लिए अच्छा होता है, बाल वाल झड़ते हैं बालों पर लगा सकते हो, मसाज कर सकते हो, चेहरे पर भी लगा सकते हो ये चीज। और मेरे पास आता है ये केशर हनी फेस वॉश, इसे आप चेहरा धो लोगे, जितना भी हानिकारक पोल्यूशन आता ना हवा में, इसको रिफ्लेक्ट करके शील्ड बना देगा और ऑल द टाइम आपके स्किन को शाइन और टाइट रखेगा। गारंटी है, पूरा ऑर्गेनिक, कोई भी केमिकल इसमें नहीं मिला हुआ है। और बस आप कश्मीर में हो, कश्मीर तो जन्नत है, और जन्नत में गुलाब भी, इसके लिए हमने एक मिस्ट बनाया जो रोज का मिस्ट आता है, सब चेहरे पे लगाओगे एज ए फेस टोनर का आपको काम करेगा। अच्छा। जब आप ग्रैनुलर गटर विद मॉर्निंग, जब आप सुबह हाथ मुंह नहा धो लिया, उसके बाद आप चेहरे पे स्प्रे कर दो, इसको पोछना वोछना कुछ नहीं है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के लिए आप जा सकोगे इसके लिए। और यहाँ पे स्पेशलिटी हमारे पास इसकी प्रोडक्ट कुछ और बनते हैं, ये सैफरान के केसर के सोप्स है। अच्छा। इसे आप जो आपके चेहरे पे कोई भी मतलब वो हानिकारक कोई भी ऐसा चीज नहीं, नेचुरल हैंडमेड सोप्स है हमारे यहाँ पे, किसान केसर का सोप। और हमारे पास आता है स्पेशलिटी, हमारे पास एक चीज आती है केशर का क्रीम, जो मॉइस्चराइजिंग, फेयरनेस एंड मल्टीविटामिन, जब हम चेहरे पे लगाएंगे 24 आवर्स तक चेहरे को सॉफ्ट शाइन रहेगा। और अफकोर्स हर कोई खूबसूरत होता है, लेकिन इसको लगा के इसे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जैसे आपका मार्केट का यूसीरीन सौंदर्य का क्रीम, करीब दो दो ढाई ढाई हजार रुपए ऐसी क्रीम इस पर खर्चा करना पड़ेगा, और यहाँ पे खाली आपको ये 450 रुपीज का यहाँ पे आपको अवेलेबल, इवन होम डिलीवरी आपको फ्री आ जाएगी यहाँ से जी। और हमारे पास, मैं आपको केशर दिखाऊंगा आपको, ये देखो हमारे पास कितनी सुंदर सा पैकिंग है, हर कोई इतना अट्रैक्ट करते है ये चीज, एक शुद्ध केसर, किसान केसर का चीज है। आप थोड़ा जूम कर दीजिए इस पे, आप देखिए कैसा है ये हमारे पास, ये दुनिया का बेहतरीन केसर है, जिसे हमें गर्व है इन चीज पे जो हम आपको यहाँ पे सर्व करते हैं। इसकी आप खुद भी खुशबू देख सकते हैं, आपकी जो आपके देखने वाले जो आपके देखने वाले होंगे शायद वो भी खुश हो पाएंगे कि चीज कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है। काफी अच्छी खुशबू है, अलग खुशबू है। और एक चीज आती है हिमालय, जैसे आपने नाम सुना है शिलाजीत के बारे में, एक्चुअली हजार साल के बाद पत्थर को ना एक बार पसीना आता है, इसमें नेचुरल 84 मिनरल्स होते हैं। कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी होगी आपकी बॉडी में, इसे आप रिकवर करोगे। किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम रहती हो, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम रहती हो, शुगर हो, किसी को डायबिटिक हो, या ताकत के लिए इसको आप खाओगे 24 आवर्स भी आप काम करोगे, नहीं थकोगे, ये खुशियत आती है। होपली हमारे पास बहुत सारे और ड्राई फ्रूट्स भी है, जो कश्मीर का, और जो मामरा बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ड्राई फिग्स, लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स, सब फुल ऑफ स्टोर, एक ही जगह पे आप शॉप कर सकते हो हर एक चीज का। थैंक यू जो आपने सभी लोग हमको देखने वाले, मैं इनको आपको स्वागत करता हूँ। कश्मीर आइए, ये आपका अपना है और हम आपके अपने लोग हैं यहाँ पे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जावेद भाई, जो बता रहे थे कि कैसे केसर की खेती होती है और केसर के कितने प्रोडक्ट इस अकेली एक दुकान में मिलते हैं, और ये पूरा इलाका जो है वो केसर की खेती के लिए कैसे मशहूर है। ऐसे कि मैडम जी, इसको खीर में, दूध में, बिरयानी में मैडम जी, या कोई घर में प्रेग्नेंट भाभी बहन हो सर, उसको प्रेग्नेंट से कंज्यूम करोगे, इसे बच्चेपन में अच्छी आती है सर जी, प्रेगनेंसी में खिलाओगे, अच्छा बच्चा तंदुरुस्त होता है मैडम जी, और डिलीवरी जो नॉर्मल से होती है। वैसे एंटी ट्यूमर, एंटी माइग्रेन और एंटी डिप्रेशन में सर जी आजकल यूज होता है। आप जो बाहर लेते हो सर जी, ईरानी की सर या स्पेन का सर जी, फिर क्या वो ब्रांड में आता है मैडम जी, या बेबी ब्रांड का, या एवरेस्ट का, या नेटराइज का सर जी, ये क्या वर्ल्ड बेस्ट सैफरान है सर जी, ये क्या 175 फूल कलेक्ट करके सर जी 1 ग्राम निकलता है। अभी ये दो तीन, जब से बाढ़ आई थी कश्मीर में 2014 में, तब से थोड़ा कम कम निकल रहा है सर जी। अच्छा। हाँ सर जी, इसमें जो भी सर विंटर में बर्फबारी पड़ेगी और जो बाकी सीजन में सर जी इसका टेम्परेचर अच्छा रहेगा, ये अच्छा निकलेगा सर जी। अच्छा, ये आसपास ना किन गांव में सबसे ज्यादा? ये सर खाली इधर 8 किलोमीटर के अरोड़ में होता है। कौन से? इसका नाम है सर पंपोरा, इधर 8 किलोमीटर के अरोड़ में, ना पहलगाम में, ना श्रीनगर में, ना कहीं पे भी नहीं होता है, खाली इस 8 किलोमीटर के अरोड़ में। आपने देखी होगी सर पीछे दोनों तरफ खुली खेत, वही इसकी खेती होती है, और कहीं पे नहीं होती। इसकी जो सर गर्मी भी होनी चाहिए सर जी, और ठंड भी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, यहाँ पे सर ये कश्मीर का सेंटर, यहाँ पे ठंड भी ज्यादा रहती है और गर्मी भी ज्यादा रहती है। इसकी जो पैकिंग आती है सर 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम। ये सर 500 का 2 ग्राम, 1250 का 5 ग्राम, 2500 का 10 ग्राम, 20 ग्राम हो गया 5000।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए यात्रा का उमेश पंत को सब्सक्राइब कीजिए।